नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बयानों से आहत होकर चलाई थी गोली, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले शूटर्स का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बीते दिन पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को हरियाणा के अम्बाले से अरेस्ट किया। उन्होंने पूछताछ में कहा कि चंद्रशेखर आजाद के बयानों से आहत होकर हमला किया था। ये बात भी पता चली है कि हरियाणा में करनाल के रहने वाले विकास की स्विफ्ट कार से शूटर्स वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। ये बात भी सामने आई कि चंद्रशेखर पर हमला करने वाले शूटर्स अम्बाला कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में थे। पकड़े गए 4 हमलावरों में 3 देवबंद के रणखंडी के रहने वाले हैं। इनकी पहचान प्रशांत, विकास और लवीस के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य शूटर विकास हरियाणा का रहने वाला है। आरोपियों को एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अम्बाला के शहजादपुर के अग्रवाल ढाबा से गिरफ्तार किया। इसके बाद चारों को शनिवार सुबह अंबाला की शहजादपुर पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंप दिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस को शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि सभी शूटर्स ने हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया और यमुनानगर से होते हुए अंबाला पहुंचे थे। इसी इनपुट पर टीम पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीपी के सभी विधायक और पार्टी सिंबल पर अजीत पवार ने जमाया कब्जा, बोले मुझे सबका आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में अब स्थिति बदल गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर भाजपा व शिवसेना सरकार से हाथ मिला लिया है और डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली है। उनके साथ 9 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। डिप्टी सीएम बनते ही अजीत पवार ने तुरंत अपने ट्विटर बायो में भी बदलाव कर डिप्टी सीएम लिख दिया। इस बगावत और तुरंत हुए बड़े बदलाव के बाद अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ एनसीपी नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकास को महत्व देना बहुत जरूरी है। पिछले 9 साल से पीएम मोदी जिस तरह विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे लगा है कि मुझे भी विकास की यात्रा में भागीदार होना चाहिए, इसलिए मैं एनडीए में शामिल होना चाहता था। अजीत पवार ने कहा कि अपना देश जब से आजाद हुआ है तब से आपने देखा है कि देश नेतृत्व से आगे बढ़ा है। पहले नेहरू जी थे, पटेल जी थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का नेतृत्व आया, इसके बाद फिर इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी, उसके बाद राजीव जी की सरकार बनी। 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक नेता ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में देश आगे गया ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग गुट में सरकार बनी। आपने पिछले 9 साल में देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ उनके गुट के 9 नेताओं को भी मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस बोली सबकी सहमति जरूरी। मायावती ने कहा इसका विरोध नहीं लेकिन भाजपा का तरीका गलत। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 27 जून को भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है, एक घर दो कानून से नहीं चल सकते, बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी। प्रधानमंत्री के यूसीसी की वकालत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर राय मशवरा के लिए 3 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 20 जुलाई से संसद का सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, अगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी सहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इधर शनिवार को कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक बुलाई। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि 15 जून को ही हमने कह दिया था कि सभी पक्षों की सहमति से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूरे सावन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना, यात्रियों के लिए शाकाहारी भोजन का होगा इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना 4 जून से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूरे सावन नॉनवेज खाना परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। भागलपुर फूड सर्विस स्टॉल के मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि सावन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि खाने में लहसुन और प्याज न हो। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC सावन में फलों का भी इंतजाम करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन का महीना 31 अगस्त को खत्म होगा, जिसमें 8 सोमवार होंगे। ऐसे में सावन के व्रत के दौरान खान पान को लेकर यात्रियों को परेशानी न हो, IRCTC इसका विशेष ध्यान रख रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सात्विक भोजन परोसने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। 3 जुलाई की रात से ही भागलपुर फूड प्लाजा में नॉन वेज मिलना
बंद हो जाएगा और मेन्यू में सात्विक भोजन मिलेगा। जानकारी के मुताबिक भागलपुर IRCTC के शाकाहारी भोजन में पनीर, सब्जी, चावल, दाल, रोटी और सलाद शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BJP में शामिल हो जाओ सब पाप धुल जाएंगे। महाराष्ट्र में पावर गेम पर बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र में रविवार को हुए बड़े सियासी घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी तो दो दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पीसिंग वाली सिंचाई घोषणा में शामिल हजारों करोड़ के घोटाला का आरोप जिस अजीत पवार पर लगा है उसको मंत्री बना दिया। छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब मोदी जी का एक ही नारा है कि जितना मर्जी बड़ा भ्रष्टाचार लूट करो, कुछ भी करो, भाजपा में शामिल हो जाओ, सब पाप भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने NCP को बताया था भ्रष्टाचारी अजीत की बगावत पर। शरद पवार बोले अब सब हो गए आरोप मुक्त। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आई सियासी भूचाल पर अब NCP चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आ गया है। भतीजे अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने रविवार को कहा कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने NCP के बारे में कहा था कि NCP खत्म हो चुकी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ली है, उनका सरकार में शामिल होने से यह स्पष्ट है कि वे सभी आरोप मुक्त हो गए हैं। शरद पवार ने कहा कि PM मोदी ने NCP को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा है। आज उसी NCP पार्टी के विधायकों ने BJP की सरकार में शपथ ली है। अजीत पवार ने बगावत की है, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है, मैंने इस बार कोई गुगली नहीं फेंकी है। उन्होंने कहा कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले देश के कोने कोने से फोन आया और एकजुटता का मैसेज आया।